दिल्ली मेट्रो देश का सबसे बड़ा और दुनिया का 11वां सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क है। ये बिजिएस्ट मेट्रो और दूसरा सबसे पुराना है कोलकाता मेट्रो के बाद। मेट्रो कंस्ट्रक्शन में 4 फेजेस इस्तेमाल हुए। 2002 में पहला सेक्शन खुला था रेड लाइन का। ये 8.3 किलोमीटर लंबा रूट था शाहदरा से 30,000 तक। 2003 में 4 और स्टेशन खोले 30,000 से इंदरलोक तक। फिर 2004 में रेड लाइन को 8.9 किलोमीटर से और एक्सटेंड किया गया रिठाला तक। न्यू येलो लाइन बनाई गई 4 किलोमीटर लंबी विश्वविद्यालय से कश्मीरी गेट तक। अगले साल येलो लाइन को एक्सटेंड किया गया सेंट्रल सेक्रेटेरिएट तक। इसके अलावा नई ब्लू लाइन बनी 23 किलोमीटर लंबी द्वारका से बाराखंबा रोड तक। इसमें 22 स्टेशन थे। इन दोनों लाइन्स का इंटरचेंज बना राजीव चौक में। 2006 में ब्लू लाइन को दोनों तरफ से एक्सटेंड किया गया द्वारका सेक्टर 9 और इंद्रप्रस्थ तक। इसी के साथ फेज 1 खत्म हुआ और कंस्ट्रक्शन का फेज 2 स्टार्ट हुआ। 2008 में रेड लाइन को ईस्ट में 3 किलोमीटर से एक्सटेंड किया गया दिलशाद गार्डन तक। अगले साल येलो लाइन को एक्सटेंड किया नॉर्थ में जहांगीरपुरी तक। ब्लू लाइन को साउथ ईस्ट डायरेक्शन में एक्सटेंड किया 15 किलोमीटर से नोएडा सिटी सेंटर तक। इससे पहली बार दिल्ली मेट्रो दिल्ली सिटी लिमिट से बाहर निकल गई उत्तर प्रदेश में। 2010 में येलो लाइन को 27 किलोमीटर से एक्सटेंड किया गया गुड़गांव तक। इसमें 19 नए स्टेशन ऐड हुए जिसका आखिरी स्टेशन हुडा सिटी सेंटर था। द्वारका सेक्टर 21 तक ब्लू लाइन को एक्सटेंड किया गया और ब्लू लाइन की नई ब्रांच बनाई गई 6 किलोमीटर लंबी यमुना बैंक से आनंद विहार तक। इसके अलावा 2 नई लाइन्स इंट्रोड्यूस हुई ग्रीन और वायलेट लाइन। ग्रीन लाइन थी इंदरलोक से मुंडका तक 15.5 किलोमीटर लंबी और वायलेट लाइन थी सेंट्रल सेक्रेटेरिएट से सरिता विहार तक 13.5 किलोमीटर लंबी। 2011 में ब्लू लाइन को एक्सटेंड किया गया वैशाली तक। ग्रीन लाइन की नई ब्रांच बनी कीर्तिनगर से अशोक पार्क मेन तक और वायलेट लाइन को एक्सटेंड किया गया साउथ में बदरपुर तक। इसके अलावा नई एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन इंट्रोड्यूस हुई 22.7 किलोमीटर लंबी न्यू दिल्ली से द्वारका सेक्टर 21 तक। इसमें सिर्फ 6 स्टेशन थे। ये पहली एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन थी इंडिया में। इसी के साथ फेज 2 खत्म हुआ और फेज 3 की कंस्ट्रक्शन शुरू हुई। 2013 में रैपिड मेट्रो का लूप खुला था सिकंदरपुर से दिल्ली मेट्रो से कनेक्ट होता था। 2015 में येलो लाइन को समयपुर बादली तक एक्सटेंड किया और वायलेट लाइन को साउथ में एस्कॉर्ट्स मुजेसर तक। 2017 में वायलेट लाइन को नॉर्थ में कश्मीरी गेट तक एक्सटेंड किया गया। इससे कश्मीरी गेट पहला ऐसा इंटरचेंज स्टेशन बन गया जहां 3 लाइनें मिलती हैं। एक नई मैजेंटा लाइन इंट्रोड्यूस हुई 12.6 किलोमीटर लंबी कालकाजी मंदिर से बोटैनिकल गार्डन तक। इसके अलावा रैपिड मेट्रो गुड़गांव को 6.6 किलोमीटर से एक्सटेंड किया गया सेक्टर 55-56 तक। 2018 में ग्रीन लाइन को ब्रिगेडियर होशियार सिंह तक एक्सटेंड कर दिया गया बहादुरगढ़ सिटी में। वायलेट लाइन को राजा नहार सिंह तक एक्सटेंड कर दिया गया बल्लभगढ़ सिटी में। इसके अलावा नई पिंक लाइन के सारे स्टेशंस खुल गए। मजलिस पार्क से शिव विहार तक इसकी लेंथ है 58.6 किलोमीटर की। ज़्यादातर रूट के लिए पिंक लाइन रिंग रोड के साथ बनी है जो पूरा लूप बनाती है दिल्ली में। इसमें टोटल 10 इंटरचेंज स्टेशंस हैं। इसका बस 1.5 किलोमीटर लंबा स्ट्रेच नहीं खुल पाया त्रिलोकपुरी में लैंड एक्विजिशन की वजह से। इसके अलावा मैजेंटा लाइन को 25.3 किलोमीटर से वेस्ट की तरफ एक्सटेंड किया गया जनकपुरी वेस्ट तक। ये लाइन आउटर रिंग रोड के साथ साथ चलती है। 2019 में रेड लाइन को शहीद स्थल तक एक्सटेंड किया गाजियाबाद में। ब्लू लाइन को 6.7 किलोमीटर से एक्सटेंड किया नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी तक और एक नई ग्रे लाइन बनी 4.3 किलोमीटर लंबी द्वारका से नजफगढ़ तक। और नोएडा मेट्रो की एक्वा लाइन 29 किलोमीटर लंबी है 21 स्टेशनों के साथ। फेज 3 में सिर्फ 3 छोटे स्ट्रेचेस रह गए हैं जो अभी खुले नहीं हैं। एक पिंक लाइन का 1.5 किलोमीटर लंबा स्ट्रेच, ग्रे लाइन का 1.2 किलोमीटर लंबा स्ट्रेच और एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन का 1.9 किलोमीटर लंबा स्ट्रेच ECC सेंटर तक। ये तीनों स्ट्रेचेस इसी साल खुलने थे लेकिन कोविड-19 से डिले हो गए। इसके बाद फेज 4 की कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई है। 3 लाइनें अभी अंडर कंस्ट्रक्शन हैं और बाकी 6 रूट्स अप्रूव हो गए हैं। 2026 तक पूरा होने का अनुमान है। इस फेज को लगभग 50,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। मैजेंटा लाइन को 30 किलोमीटर से एक्सटेंड किया जाएगा जनकपुरी वेस्ट से लेके आरके आश्रम मार्ग तक। इसमें सारी लाइनों के साथ इंटरचेंज स्टेशंस बनाए जाएंगे पीरागढ़ी, पीतमपुरा, हैदरपुर, मजलिस पार्क, आजादपुर, पुल बंगश और आरके आश्रम मार्ग पर। पिंक लाइन को 12.5 किलोमीटर से एक्सटेंड किया जाएगा मौजपुर तक। रेड लाइन को 26.5 किलोमीटर से एक्सटेंड किया जाएगा नरेला से होते हुए नथुपुर तक। ब्लू लाइन को मोहन नगर तक एक्सटेंड किया जाएगा जहां ये रेड लाइन के साथ इंटरचेंज स्टेशन बनाएगा। ब्लू लाइन की मेन ब्रांच को साहिबाबाद तक एक्सटेंड किया जाएगा जहां ये दूसरी ब्रांच से कनेक्ट करेगा।
इसके अलावा चार नई लाइनें बनाई जाएंगी। पहली सिल्वर लाइन 20.5 किलोमीटर लंबी तुगलकाबाद से एयरो सिटी तक, दूसरी इंडिगो लाइन 12.5 किलोमीटर लंबी इंद्रलोक से इंद्रप्रस्थ तक। इसमें न्यू दिल्ली और दिल्ली गेट स्टेशन पे इंटरचेंज बनाया जाएगा। पीच लाइन 8 किलोमीटर लंबी होगी लाजपत नगर से छतरपुर एक्स